नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्क गुणवत्ता की मुहर की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी। इस पहल का मकसद आभूषण और कलाकृतियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अधिसूचना अगले साल 15 जनवरी 2020 को जारी की जाएगी और एक साल बाद निर्णय प्रभाव में आएगा। इसके तहत सभी जौहरियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा वे केवल हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण तथा कलाकृति ही बेच सकेंगे। सोने की हॉलमार्किंग एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है और फिलहाल यह स्वैच्छिक है। BIS अप्रैल 2000 से स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रही है और फिलहाल 40% सोने की हॉलमार्किंग की जा रही है। पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम देश में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर रहे हैं। हम अगले साल 15 जनवरी को अधिसूचना जारी करेंगे। इसे क्रियान्वयन के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी। यह 15 जनवरी 2021 से अधिक होगा, उन्होंने कहा। जौहरियों तथा खुदरा कारोबारियों को अपने बिना हॉलमार्क का पुराना माल बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी। पासवान ने कहा कि यह निर्णय खासकर छोटे शहरों और गांवों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया, हम उन स्वर्ण आभूषणों को नहीं छू रहे हैं जो ग्राहकों के पास पड़े। स्वर्णकार आमतौर पर पुराने आभूषण को गलाकर आभूषण बनाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों के लिए मानक तैयार किया है। पासवान ने कहा कि सरकार खुदरा व्यापारियों के लिए इन तीनों स्तर के गुणवत्ता वाले आभूषणों के दाम अपनी दुकानों में दर्शाने को अनिवार्य कर सकती है। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में BIS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि न्यूनतम 1,00,000 रुपये और वस्तु के मूल्य का 5 गुना तक जुर्माने के साथ 1 साल जेल का प्रावधान है। फिलहाल 234 जिलों में 877 आकलन और हॉलमार्किंग केंद्र है और 26,019 जौहरियों ने BIS पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा, हमारा एक साल में देश के सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने और सभी जौहरियों के पंजीकरण का लक्ष्य है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पासवान ने कहा कि स्वर्ण आभूषण को लेकर अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश WTO की वेबसाइट पर 10 अक्टूबर 2019 को डाली जाएगी। इस पर 60 दिन के भीतर टिप्पणी की जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार नियमों के अनुसार सदस्य देश को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय को अधिसूचित करना होता है और प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगता है। निर्यातक देशों को सोने के लिए विशेषीकृत BIS गुणवत्ता नियमों का अनुपालन करना होता है। भारत 1995 से WTO से जुड़ा है। जानिए क्या है हॉलमार्किंग। BIS हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने की एक प्रणाली है। BIS का यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि गहना भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। इसलिए सोने खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आभूषणों में BIS हॉलमार्क है। यदि सोने गहनों पर हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है। देश भर में फिलहाल सिर्फ 800 हॉलमार्किंग केंद्र मौजूदा समय में देश भर में लगभग 800 हॉलमार्किंग केंद्र हैं और केवल 40% आभूषणों की हॉलमार्किंग की जाती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर यह निशान होता है। BIS की वेबसाइट के मुताबिक यह देश में एकमात्र एजेंसी है जिसे सोने के गहनों की हॉलमार्किंग के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त है। BIS के मुताबिक फिलहाल 3 स्तरों 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के लिए हॉलमार्किंग की जाती है। ज्वेलरी पर विक्रेता की पहचान भी अंकित होती है।